क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इवैल्यूएट। हमारा क्वेश्चन दिया है 81 × 25 + 19 × 25 − 2400 इज। तो हम लोग इसमें बताना है कि इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर जाएगा। तो देखिए इसमें भी पिछले वीडियो जैसे 25 इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो हम लोग 25 को कॉमन कर लेंगे। अब ये हमारा बचा 81 + 19 − 2400। अब देखिए 81 + 19 हो गया 100 − 2400। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो 25 × 100 में हमारा आंसर हो जाएगा 2500। अब हम लोग का क्वेश्चन है 2500 − 2400। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 100। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए 100 करेक्ट हो गया। अब हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। यह है इवैल्यूएट 3 + 33 + 333 / 3 − 21 × 7। तो हम लोग बोर्डमास के रूल से पहले डिवाइडेशन को करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग डिवाइडेशन को करेंगे, तो 333 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तब हमारा क्वेश्चन आएगा 111। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। −21 × 7। अब देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग बोर्डमास के रूल से मल्टीप्लीकेशन को करेंगे। तो 21 × 7, 7 × 7 and 7 × 2 = 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 147। अब देखिए अब हम लोग पहले एडिशन को करेंगे। 3 + 33 = 36 + 111 − 147। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो जाएगा 147 − 147। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 0 करेक्ट हुआ। अब हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है सिंप्लीफाई 135 − 75 + 4 × 25 − 2 × 25। तो चलिए पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।